नमस्कार, मैं खुशी दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ IMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। पुर्तगाल के कब्जे से आज के दिन मुक्त कराया गया था गोवा। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। देश को तो 1947 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन 14 साल बाद गोवा पर पुर्तगाली अपना शासन जमाए बैठे थे। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त करा लिया था। इससे काफी समय पूर्व गोवा के राष्ट्रवादियों ने 1928 में मुंबई में डॉक्टर टीवी कुन्हा की अध्यक्षता में गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया था। डॉक्टर टीवी कुन्हा को गोवा के राष्ट्रवादी का जनक माना जाता है। 1946 में प्रमुख समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी गोवा गए थे और नागरिक अधिकारों के हनन का विरोध किया था। बिस्मिल, अशफाक उल्ला और रोशन सिंह को आज के दिन दी गई थी फांसी। महान स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। आज के दिन इसको बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन महान क्रांतिकारियों को काकोरी कांड के मामले में फांसी पर चढ़ाया गया था। 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह सहित कई क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जाए जा रही सरकारी खजाने को लूट लिया था। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म आज के दिन 1934 में हुआ था। प्रतिभा पाटिल का जन्म जलगांव के नदगांव नामक ग्राम में 19 दिसंबर 1934 को हुआ था। वे आजाद भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति एवं देश की 12वीं राष्ट्रपति रह चुकी हैं। उन्होंने 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा वे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, राज्यसभा के सदस्य एवं महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। उन्होंने देश में महिलाओं, गरीब और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। आज के दिन हुआ था पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का निधन। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी का 19 दिसंबर 1860 को निधन हो गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और 1856 तक कार्य किया। उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उसके शासनकाल में ब्रिटिश राज्य के विस्तार का कामकाज चरम पर पहुंचा। उसने युद्ध और कूटनीति से भारतीय राज्यों पर अधिकार करके ब्रिटिश कंपनी के विस्तार का कार्य किया। डलहौजी ने राज्य हड़पने की नीति लागू की, जिसके तहत संतानहीन भारतीय शासकों को उत्तराधिकारी बालक को गोद लेने की अनुमति नहीं दी और उनके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष विज्ञान गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 19 दिसंबर दिन रविवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है यश प्रतिष्ठा। मेष, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 81%। छात्रों के लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। ऋण भार से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में तरक्की हो सकती है। बाहरी स्थानों से हानि संभव है। रुके हुए काम बनने के योग है। शुभ रंग लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला काला। वृष, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 52%। कार्य क्षेत्र में आप कड़ी मेहनत करेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे अवसर मिलेंगे। कामयाबी आपके साथ होगी। यात्रा के योग हैं। शुभ रंग सफेद लाल तथा निषेध रंग स्लेटी काला। मिथुन, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 70%। बेरोजगारों को नौकरी के लिए अभी और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग है। शुभ रंग हरा लाल तथा निषेध रंग पीला सफेद। कर्क, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 55%। नए सहयोगी मिलेंगे और आपका रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। वित्तीय मामलों से जुड़े फैसले कुछ समय के लिए टाल दें। आपके खर्च बढ़ेंगे। प्रोफेशनल में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मदद मिल सकती है। स्थान परिवर्तन के योग है। शुभ रंग नारंगी लाल तथा निषेध रंग हरा काला। सिंह, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 91%। कोई शुभ समाचार संभव है। सेहत में मंद गति से सुधार होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले परिजनों में किसी अतरंग अथवा विश्वासप्राप्त व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी होगा। नए मित्र बनने के योग हैं। शुभ रंग लाल गुलाबी सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला काला हरा।
कन्या आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 71%। भाग्य को भी अपने इर्द गिर्द महसूस करेंगे। परिणामों का असर मिला जुला रहेगा। कुछ मोर्चों पर समझौता करना पड़ सकता है। आपका परिश्रम व्यर्थ हो सकता है। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग हरा, लाल तथा निषेध रंग मस्टर्ड सिंदूरी। तुला आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 42%। कोई परेशानी आ सकती है, परंतु आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। धार्मिक यात्रा को व्यस्तता के चलते निरस्त करना पड़ सकता है। निराशा रहेगी। संतति से संबंधित उपलब्धि से गर्व का अनुभव होगा। स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग लाल तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 76%। किसी परिजन को लेकर भी चिंता रह सकती है। अनुकूल समय का लाभ उठाएंगे। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम न प्राप्त होने से निराशा के योग हैं। शुभ रंग लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग भूरा काला। धनु आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 72%। जल्दबाजी में अपना मोटा पैसा किसी गलत योजना में लगा सकते हैं। सब्र से काम ले। पेशेवर स्तर पर अपनी क्षमता साबित करने में सफल होंगे। योजना बनाकर समझ बूझ के साथ अपने कार्यों को करते जाएं। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से सहयोग के योग हैं। शुभ रंग पीला, बसंती लाल तथा निषेध रंग हरा काला। मकर आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 46%। नौकरी की दृष्टि से समय लाभप्रद रहेगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, परंतु अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें। उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी तथा निषेध रंग काला। कुंभ आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 47%। किसी महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के योग है। भाग्य भी आपके साथ है। विशेष रूप से अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें। बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग गुलाबी तथा निषेध रंग स्लेटी। मीन आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 78%। नौकरी पेशा वर्ग के लिए समय अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों को अच्छी खबर मिलने के योग है। निवेश करते समय पूरी तरह सावधान रहें। व्यापार विस्तार की योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाने के योग है। शुभ रंग पीला, लाल गुलाबी तथा निषेध रंग हरा काला स्लेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय 5:34 से 7:18 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।